यूपी के बुलंदशहर में सपा के कद्दावर नेता ने रामपुर सांसद आजम खान की रिहाई के लिए खून से खत लिखा है। सपा नेता सदाकत अली ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम खून से खत लिखकर आजम खान की रिहाई की मांग की है। मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपने खून से पत्र लिखा है। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के और हमारे सीनियर लीडर हैं, जो एक महान शिक्षाविद और बेहतरीन समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मैंने मांग की है, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उन पर झूठे मुकदमे लिखकर उनको जेल में डाल दिया गया है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मानवीय ताकि आधार पर मैं उन्हें रिहा करने की मांग करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति साहब हमारे इस पत्र से संज्ञान लेकर उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। खत के जरिए मानवीय आधार पर आजम खान की रिहाई की मांग की गई। खत में आजम खान के गिरते स्वास्थ्य और षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में फंसाने का भी जिक्र खूनसली के खत में किया गया है। सदाकत ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खून से खत लिखकर आजम खान की रिहाई की गुहार लगाई है। बुलंदशहर के युवा नेता हैं आजम खान की रिहाई के लिए खून से खत लिखने वाले सदाकत अली। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।